अभी चार डब्बे में से आप क्या देखोगे बताओ? चार डब्बे में जो रोटी जो डब्बे में लाएगा ना, उसको कहते हैं सर रोटी ऊपर कर। शाबाश कमांड, रोटी उठाओ भाई, है ना? उसके बाद बंद कर दूंगा। दाल में धनिया डाल के लाएगा, सब्जी धनिया डाल के लाएगा। सुनो सुनो सुनो, दाल सब्जी को हिलाने की आवश्यकता नहीं है, उसको महसूस करना है कि इसमें कोई ऐसी प्लास्टिक के अंदर छोटी सी एक शराब है जिसको बोलते हैं पोटली। मतलब ठाकुर ने ऐसे केस देखा है, उसको लगे तो सुधर। टिफिन के अंदर, दाल के अंदर एक प्लास्टिक की पन्नी में भांग कर छोटे छोटे दो पोटलियां रखा था, दाल थी उसके अंदर। अब ये कहोगे जो भैया उंगली डाल के देखो क्या, वो मारेगा नहीं, कैसे चेक करो क्या? बोलो सुपर बोलो बोलो बोलो, वो तो दिख जाएगा ना सर, दाल थोड़ी हिलाने रखा उसको, क्या करना है वो डिब्बे को, है ना? वो डिब्बे को भैया थोड़ा हिलाओ ना, जरा इसको जरा बहुत जम गई है, वो हिलाएगा तो कुछ ना कुछ आपको सबूत प्लास्टिक दिखाई देगा, सही है गलत? तो फिर आप दाल में आता है आपको, मैं अगर जो मेरे प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसको 1000 रुपए इनाम दूंगा अभी तत्काल यहाँ पर मेरे तरफ से। मेरा एक प्रश्न है, जो इसका प्रश्न का उत्तर दे देगा कि हाँ मुझे मालूम है, तो मैं उसको 1000 रुपए इनाम दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। सुनो मेरा प्रश्न, महाराष्ट्र के अंदर, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव के अंदर, मालेगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टिफिन के अंदर एक बम था। उसको मस्जिद के अंदर, शुक्रवार था आज, आज शुक्रवार के दिन बहुत लोग मुसलमान लोग नमाज को जाते हैं, वहां पर उसने साइकिल के पास बम के अंदर लटका दिया साइकिल पर टिफिन, और वो रिमोट कंट्रोल से दबा दिया, पूरी मस्जिद भी उड़ गई, कई लोग मरे, आस पास के लोग भी मर गए, कई लोग के करोड़ों का नुकसान हो गया। तो 2012 की बात है, कितने का की 2012 की बात है, और 8 तारीख थी वो, शुक्रवार का दिन था। तो अगर मान लो, अगर जो इंसान टिफिन भी नहीं चेक करेगा उनको दहशत रहेगी। रैंडम चेकिंग किसको कहते हैं कौन बताएगा? रैंडम चेकिंग, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम रैंडम चेकिंग करेंगे। रैंडम चेकिंग का मतलब होता है, क्या होता है कौन बताएगा? अभी बताएगा किसी को भी उठाने में से किसी भी। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब कि कहाँ पे गए थे हम अभी? कहाँ? मालेगांव। मालेगांव। मैं आपसे पूछता हूँ कि किसको इस बारे में पता है वो हाथ ऊपर करे, और 1000 रुपए मेरे से अभी लेके जाया होगा, क्योंकि मैं देने के लिए आया हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है आज, मैं 1000 रुपए आपको इनाम दूंगा। सवाल पूछा, बोला ना मैंने, महाराष्ट्र के अंदर मालेगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मस्जिद के अंदर शुक्रवार को 2012 के अंदर 8 तारीख का शुक्रवार का दिन था, एक बम ब्लास्ट हुआ, उसमें कई मुसलमान लोग हिंदू लोग मर गए, आने जाने वाले करोड़ों की संपत्ति को नुकसान हो गया। ये बात किसको मालूम है वो मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने बताया, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको उसको नॉलेज है कि नहीं मैंने इसको के देखा था या पढ़ा था या सुना था? है कोई ऐसा आदमी? सच्चे दिल से बोलो कि हाँ मैंने टीवी में देखा था या मैंने